क्या आम्रपाली को अब जरूरत नहीं है निरहुआ की? जी हाँ, आम्रपाली को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आम्रपाली अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी इतनी पैठ बना चुकी हैं कि उन्हें निरहुआ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी में यूट्यूब क्वीन नाम से मशहूर आम्रपाली दुबे इन दिनों बगैर निरहुआ के धड़ाधड़ फिल्में साइन करती जा रही हैं। जी हाँ, शेर सिंह पवन सिंह के साथ तो सैया थानेदार रितेश पांडे के साथ। 2018 आम्रपाली दुबे के लिए कई मायने में बड़ा ही चैलेंजिंग ईयर होने वाला है। अभी तक दर्शकों ने उन्हें निरहुआ के साथ पसंद किया और अब वो सिनेमाई पर्दे पर निरहुआ के बाद पवन सिंह के साथ नजर आएंगी और उसके बाद रितेश पांडे के साथ। देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी जोड़ी क्या इन दो स्टार्स के साथ उतनी ही सुपरहिट होती है जितनी निरहुआ के साथ है। वैसे दबे लफ्जों में भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ये कहने से भी नहीं कतरा रहे हैं कि अब कहीं न कहीं आम्रपाली जान चुकी हैं कि वो निरहुआ के सहारे ज़्यादा दिन तक अपनी नैया उन्हें काजल राघवानी की तरह ही अपनी वर्सटाइल एक्टिंग दिखाते हुए कई और स्टार्स के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो निरहुआ तक ही सीमित रह जाएंगी। इसीलिए इन्हीं बातों के चलते अब आम्रपाली अपनी जगह सिक्योर करना चाहती हैं और वो कहीं न कहीं ये नहीं चाहती कि उनका हश्र भी अक्षरा सिंह की तरह हो, कि जैसे ही अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का दामन छोड़ा वैसे ही उनके पाले से सारी फिल्में खिसक गई। कहीं न कहीं इसी डर के चलते अब वो और भी स्टार के साथ काम करना चाहती हैं ताकि दर्शकों में उनकी डिमांड बरकरार रहे। इसलिए शायद आम्रपाली वक्त की इस दरकार को समझते हुए अब भोजपुरी के और भी स्टार्स के साथ जम गई हैं फिल्मों को साइन करने में। कहा जा रहा है कि आम्रपाली ये तक सोच रही है कि वो जल्द से जल्द सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी फिल्म करती नजर आए। वैसे भी आप जानते ही हैं कि खेसारी लाल यादव की पॉपुलरिटी इन दिनों सभी से कहीं ज़्यादा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।